हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव कुशवाहा स्वागत करता हूँ टेक खबर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बेसिकली आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि हमने लिख रखा है क्या न्यूल फाइल यूज़ करनी चाहिए यूआरएल सॉर्टर वेबसाइट के लिए। तो देखो, आज का ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है अगर आप यूआरएल सॉर्टनर से रिलेटेड वेबसाइट तैयार कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास यार इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा साइट एक्टिवेट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो यार इसी के ऊपर हम कवर करेंगे आज, और आज की वीडियो आपको एक एक सेकेंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखना। मैं कुछ चीज़ बताऊंगा कि जिससे आप पहचान सकते हो कि ये साइट आपकी, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है वो न्यूल्ड फाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है न्यूल्ड फाइल में, और हम कैसे इसे मतलब जज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पहली बात बता दूँ, न्यूल फाइल्ड होता क्या है। न्यूल फाइल्ड ये होता है, जैसे मान लीजिए आप, मैंने पहले आप ऐसे बाई करते हो इस किसी स्क्रिप्ट को, तो एंड देन जब वहाँ पे आप साइट को ओपन करके इंस्टॉल वगैरह कर लेते हो, तो वहाँ पे आपसे एक एक्टिवेशन की मांगा जाता है। ठीक है, उस एक्टिवेशन की को जब आप डालते हो तो ही आपकी साइट जो है रन करती है। तो ऐसे में न्यूल फाइल क्या काम करता है, न्यूल फाइल अगर आप अपने साइट में या अपने होस्टिंग में इंस्टॉल करते हो, एंड साइट को इंस्टॉल करके सारा डाटा बेस वगैरह से कनेक्ट कर देते हो, तो वहाँ पर आपको एक्टिवेट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ से वो जो दो ऑप्शन हटाए जाते हैं, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है आपके स्क्रिप्ट में। कैसे, जैसे मान लीजिए वो पर्सनल, मैं इन द केस बात करने वाला हूँ वायरल शॉर्टनर की, तो वहाँ पे पर्सनल टोकन और परचेस कोड मांगता है। ठीक है, पर्सनल कोड और परचेस सॉरी पर्सनल टोकन और परचेस कोड में ये कनेक्शन होता है आपके मेन पेज पर। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, इसकी भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। आपको वीडियो थोड़ी भी स्किप नहीं करनी है, और वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को, अपने दोस्तों के पास तक इसे शेयर करिए, जिससे उन लोग को भी पता चले कि न्यूल्ड फाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो परचेस कोड और पर्सनल टोकन होता है, मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, लेकिन यही दो चीज़ होता है वहाँ पे, परचेस कोड पर्सनल टोकन। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन बहुत अंदर तक होता है। पहले तो आपके मेन पेज पे होगा, जैसे मान लीजिए हमारे साइट का, मतलब हमारा साइट नहीं है, मैं एक एग्जांपल पे तौर पे नाम लेता हूँ, shortner.co.in, इसको आप ओपन करते हो तो आपके मेन पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे, जहाँ पे फुटर का एरिया होता है, जहाँ पे कुछ इमेज वगैरह लगे होते हैं, पेपल, प्याजा, वेब मनी, बैंक ट्रांसफ़र, इस टाइप के इमेज लगे होते हैं। एंड देन उसके ऊपर आपको एक कॉन्टेक्ट फॉर्म मिलता है, उसके ऊपर आपके रजिस्टर्ड यूज़र्स होते हैं, टोटल क्लिक शो होता है, और आपके सारे चीज़, मतलब तीन चार चीज़ वहाँ पे शो होते हैं। अगर वहाँ से, देखो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास परचेस कोड पर्सनल टोकन का ऑप्शन नहीं आता, तो वहाँ पे आपका मेन पेज पे कुछ भी नहीं शो होगा, हमेशा 000 शो होगा। देखो, रजिस्टर यूजर कभी कभी शो होते हैं, और टोटल सॉरी लिंक और क्लिक ये नहीं शो होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये आपके पास परचेस कोड पर्सनल टोकन का ऑप्शन नहीं देता है साइट में एक्टिवेट करने के लिए, तो नहीं शो होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम और क्या होती है। पहली प्रॉब्लम तो आपके ये सारे चीज़ शो नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम कि आपके मेंबर के पास एक भी क्लिक नहीं काउंट होगा, एक भी मतलब जो भी क्लिक सीपीएम वगैरह कुछ भी नहीं काउंट होगा। ध्यान से सुन लीजिए, कुछ भी नहीं काउंट होने वाला। ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आया हुआ है। मैं किसी का नंबर तो नहीं दिखा सकता हूँ, ना किसी का मैसेज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत मैसेज आया है, आप मेरा कमेंट चेक करो, तो वहाँ पे भी मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई मुझे लाइसेंस बाई करना है। यार ये बताओ, आप वहाँ से न्यूल्ड फाइल्ड यूज़ कर रहे हो, उसके बाद लाइसेंस मुझसे क्यों ले रहे हो यार, जहाँ से आपने डाउनलोड किया वहाँ से लो, क्योंकि मैं सब फालतू काम नहीं करता हूँ यार। आपका मैं न्यूल्ड फाइल्ड आपको बेवकूफ़ बना के दे दूँ, और उसके बाद आप कहो कि यार इन्होंने मुझसे फ्रॉड किया है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे केस में क्या होता है, कभी कभी कोई साइट जो है न्यूल्ड फाइल के साथ साथ अपना परचेस कोड पर्सनल टोकन वगैरह भी देती हैं। हाँ ठीक है, तो उसका वो पैसा लेती हैं। अब देखो उसमें क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब उसमें कि अगर मैं बता दूँ, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बंदे को किस वर्ज़न में आई है, 5.3.1 पे आई होगी। 110% ये प्रॉब्लम उनको ज़रूर फेस करनी होगी, अगर वो न्यूल्ड फाइल यूज़ कर रहे हैं तो। देखो उसमें क्या होगा, आपका सारा चीज़ होगा, सब काउंट होगा, लेकिन क्या होगा, जब आप सेटिंग वाले पेज पे जाओगे, कोई भी सेटिंग को आप सेव करोगे, तो वहाँ पे जो है पेज है वो ब्लैंक हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जब उन्होंने साइड को मॉडिफाई कर रहे थे तो वहाँ से कुछ ऐसा चीज़ वहाँ से हट गया है जो कि इनकोडेड था, स्क्रिप्ट में था, उसको इनक्रिप्टेड किया गया था, वो वहाँ से डिलीट हो गई है। तो जिससे वहाँ पे आप जब भी कोई सेटिंग सेव करोगे तो आपकी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी वो सेटिंग ही, का पेज ही वहाँ पे पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और न्यूल फाइल का पहचान भी इसी से कर सकते हो। सबसे पहले न्यूल फाइल में बहुत ज़्यादातर आप देख सकते हो कि वहाँ पे पर्सनल कोड, परचेस कोडिंग का ऑप्शन ही नहीं होगा, और किसी किसी में होगा भी तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपके यूजर्स वगैरह अकाउंट नहीं होंगे, एंड आपके क्लिक और आपकी अर्निंग आपके मेम आपके एडफ्लाई लिंक वाले जो वेबसाइट का एडिट पैनल होगा उसमें नहीं शो होने वाला। आपके एडसेन में भले शो हो, उसकी बात तो अलग है, क्योंकि एडवर्टाइज शो करेगा और क्लिक वगैरह इंप्रेशन वगैरह होंगे तो सिंपल सी बात है, तो एडसेन में तो अर्निंग हमारी शो होगी बट हमारे साइट पे कुछ नहीं शो होगा। तो यही बात है। और कुछ पेजेस वगैरह हैं वहाँ पर जो कि आपको वहाँ पे आप कुछ लिमिट्स होते हैं न्यूड फाइल में कि आप ये सब नहीं कर सकते हो। और रही बात लोग जो बोल रहे हैं कि एक्टिवेट कर दो, ये कर दो, तो यार आप लोग पैसा खर्चा कर रहे हो होस्टिंग के लिए, डोमेन के लिए, तो कुछ पैसे आप अपने स्क्रिप्ट में भी लगा लीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, किसी दूसरे का नुकसान, आपका नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि यार न्यूड फाइल मत यूज़ करो, हमेशा से बताया गया है, चाहे आप वर्डप्रेस की साइट बना रहे हो, चाहे ब्लॉगर की, चाहे कोई मिसलिशियस स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हो। मिसलिशियस यानी माने कि जो PHP स्क्रिप्ट होता है उसको मिसलिशियस स्क्रिप्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, उसे इंस्टॉल कर रहे हो, तो ऐसे में आप न्यूड फाइल का यूज़ ना करिए। उस बंदे से कांटेक्ट करिए। देखो मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए तो आप हमसे भी बाय कर सकते हो। आप ऐसे बंदे से बात करो जो कि आपके आपका जो प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम को बेसिकली वो आपको सॉल्व कर सके, ठीक है। ऐसे लोग से अगर आप करते हो, अब ऐसे लोग से आपने बाय कर लिया कि स्क्रिप्ट तो बाय कर लिया, मेरे पास ऐसे भी कॉल आए थे कि बाय तो कर लिया उन्होंने स्क्रिप्ट, पैसे भी पे कर दिया, अब उसके बाद क्या हुआ कि उनका ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, या फ़ोन कर रहे हैं तो उनसे वो बात नहीं कर रहा है, बेल पूरी रिंग जा रही है, कुछ नहीं। अरे यार स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप अपनी स्क्रिप्ट ले लो, मेरा पैसा दे दो, बात ख़त्म, ऐसे होता है। तो आप लोग ट्रस्टेड लोग के पास जाइए, ऐसे नहीं किसी के पास चले जाओ। और मैंने जितना भी अभी तक स्क्रिप्ट, अभी मेरे से ज़्यादा लोग नहीं, 3 से 4 लोग ने बाय किया है, और मैंने सभी को कॉल पे फुल सपोर्ट दिया है स्क्रिप्ट से रिलेटेड। देखो मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट देता हूँ तो पहले तो आपको स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना, एक्टिव करना, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है फिर भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो हम अपनी स्क्रिप्ट वापस ले लेंगे, या आप अपनी स्क्रिप्ट रख लो, यार एक्टिवेट तो मुझे करना है, मैं अपने पास से उसका सर्वर ही डिस्कनेक्ट कर दूंगा, स्क्रिप्ट हम आप रख लो, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, हम लोग ये काम करते हैं। और ऐसे में आपको ऐसी तरीके का ट्रस्टेड आदमी या ट्रस्टेड वे आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि आपको न्यूड फाइल बिल्कुल मत यूज़ करो। अगर न्यूड फाइल यूज़ करोगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पहला तो आपका मेन पेज पे जो नीचे काउंट होता है वो नहीं काउंट होगा, दूसरा आपकी अर्निंग वगैरह, क्लिक वगैरह आपको भी नहीं शो होगी, आपके मेंबर को भी नहीं शो होगी। तो ये सारे आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अब वर्ज़न की बात कर ले तो अभी देखो हमारे पास जो वर्ज़न है, जो हम थीम प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को, वो 4.5.1 है। अब देखो वर्ज़न में क्या है, 5.3.1 में क्या अपडेट किया गया है, वहाँ पे सिर्फ एक जो है वॉलेट का ऑप्शन दे दिया गया है और किसी चीज़ को अपडेट नहीं किया गया है। तो बेसिकली 5.3.1 में कोई खास फ़र्क नहीं है और 4.5.1 में भी कोई खास फ़र्क नहीं है, एक्स्ट्रा फीचर कुछ नहीं ऐड हुए, बस वही सारे पुराने फीचर्स ही हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि आप थीम बाई करो, कहीं से भी बाई करो, उससे नहीं मतलब, बट आप न्यूड फाइल्ड मत यूज़ करो, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।